पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को बआसानी 9 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 164 रन का हदफ पाकिस्तान ने 27वें ओवर में हासिल किया। साइम अयूब ने 82 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 5 विकेट लेने वाले हारिस राव प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए और दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। शाहीनों ने कैंगरूज को इनके घर पर धूल चटा दी। दूसरे वनडे में 9 विकेटों के बड़े मार्जिन से हराकर 2017 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में फतह समेटी। एडिलेड में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कैंगरूज की बैटिंग का आगाज मायूसकुन था। शाहीन शाह अफरीदी ने 41 रन पर दोनों ओपनर्स को पवीलियन भेजा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने हारिस रऊफ को गेंद थमाई तो हारिस ने कैंगरूज बैटर्स की लाइन लगा दी। ऑस्ट्रेलवी टीम 35वें ओवर में 163 रन पर ऑल आउट हुई। स्टीव स्मिथ 35 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान के हारिस रऊफ 5 विकेटें लेकर नुमाया बॉलर रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने 3, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने 1-1 शिकार किया। हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी ओपनिंग बैटर्स ने 137 रन का शानदार आगाज फराम किया। दोनों ओपनर्स ने निसफ सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान ने हदफ 27वें ओवर में 1 विकेट पर बआसानी हासिल किया। साइम अयूब 82 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 64 रन की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स खेली। मेजबान टीम की तरफ से वाहिद विकेट एडम जैम्पा ने हासिल की।